बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर इस बार भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस से भाजपा में गए। यहां के कद्दावर नेता है, मगर गठबंधन और बीएपी की ओर से आदिवासी समाज का ध्रुवीकरण करने के कारण भाजपा में बेचैनी है और इसीलिए रविवार को यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सभा करवाई गई। तो वहीं दूसरी ओर बीएपी प्रत्याशी राजकुमार रोत खुलकर आदिवासी समाज के हक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 70% मतदाता आदिवासी है और इसीलिए लड़ाई भी रोचक है। वहीं आज राजकुमार रोत के समर्थन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी बांसवाड़ा पहुंचे थे और चुनावी सभा को उन्होंने उनके समर्थन में संबोधित किया। पिछले कुछ दिनों से महेंद्रजीत सिंह मालवीय और राजकुमार रोत के बीच जुबानी जंग भी लगातार जारी है। आज सभा के दौरान पंजाब केसरी संवाददाता जुगल कलाल ने राजकुमार रोत के साथ तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट को। अब चुनाव प्रचार थमने को अब कुछ समय रह गया है। राजकुमार रोत जो कि कांग्रेस गठबंधन के साथ अपनी सभाएं कर रहे हैं, गोविंद डोटासरा भी यहां पहुंचे हुए हैं। राजकुमार जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत शानदार हमारा जो सफर रहा, चुनावी सफर रहा, बहुत शानदार सफर रहा और बहुत भारी मत से यहाँ की जनता मुझे जिताएगी और मैं जनता को तहे दिल से पहले ही धन्यवाद देना चाहूंगा कि जनता ने इतना प्यार उत्साह इस चुनाव प्रचार के दौरान दिया। आप जय जोहर का नारा लगाते हैं इस भारत देश में और आपकी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत देश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक देश है, इसमें संविधान के आधार पर देश चलता है और संविधान में हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग को स्वतंत्रता दे रखी है, अधिकार दे रखा है। तो हम सबको मिलकर इस लोकतंत्र की लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, क्योंकि संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। अब मजारों में, मस्जिदों में, अब मंदिरों में और आदिवासी धुनियों में जाने लगे, क्या संदेश जनता को देना चाह रहे हैं? देखो, बहुत पहले से, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार गए, बहुत पहले से हमारे पूर्वज बाप दादा भी जाया करते थे, हम लोग भी बरसों से जाया करते हैं। ये राजनीतिक एजेंडा बना दिया गया है जो भाजपा वालों ने मंदिर के नाम से, मंदिरों के नाम से, धर्म के नाम से जो राजनीतिक रोटियां सेकना कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि हम अब जा रहे हैं, लेकिन ये लंबे समय से हमारा, हमारी आस्था रखते हैं, हर हमारे कुल देवी, देवी देवताओं में, मजारों में, सब जगह हम आस्था रखते और जाते हैं। और ये एक आखिरी सवाल, मालवीय आप पर कई आरोप लगाते हैं कि आप मुस्लिम बहन बेटियों को लेकर आरोप लगाते हैं, आपके धर्म को लेकर आरोप लगाते हैं। मालवीय बौखला चुके हैं बिल्कुल, ऐसा किसी प्रकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, इस बात का मुझे स्पष्टीकरण देने की भी जरूरत नहीं। वो एक नंबर साफ, एक साफ, एक मतलब एक साफ सुथरा झूठ बोल रहा है वो आदमी। मुझे खुद को शर्म आती है कि इस लेवल का आदमी इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। 4 जून को जी अगर आप जीतते हैं तो क्या करेंगे पहला काम? बहुत शानदार, जनता को दिल से धन्यवाद देना दूंगा, आज भी दे रहा हूं और इस क्षेत्र में एजुकेशन के लिए बेस्ट काम करेंगे। धन्यवाद। ये देखिए हमारे साथ राजकुमार जी रोहत थे जिन्होंने अपना पक्ष रखा है। मैं पंजाब केसरी के लिए जुगल कलाल डूंगा।